साइराम बच्चों बच्चों पिछले सेशन में हमने हिंदी की गिनती 1 से 10 तक सीखी थी। आज हम उसका थोड़ा सा अभ्यासक्रम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी कविता गुनगुनाएंगे और आप भी टीचर के साथ गुनगुनाएंगे। टीचर एक लाइन बोलेगी, आप उसके पीछे रिपीट करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी कविता हम गुनगुनाते हैं। देखिए ये कविता गिनती पर है, तो बच्चों टीचर के पीछे आप रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 बोलिए बच्चों। 1 2 3 4 आज शनि है कल इतवार, आज शनि है कल इतवार। 5 6 7 8 बोलिए। 5 6 7 8 याद करूँगा सारा पाठ, याद करूँगा सारा पाठ। इसके आगे 9 और 10, इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी बस, हो गई गिनती पूरी बस। तो बच्चों कैसी लगी आपको कविता? चलिए एक बार और बोलते हैं। 1 2 3 4 आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8 याद करूँगा सारा पाठ। इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी बस। हो गई ना बच्चों 1 से 10 तक गिनती। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी गिनती को फिर से रिवाइज करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है गिनती 1 से 10 तक। तो चलिए सब लोग बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप घर पर खेलते खेलते भी आप ये गिनती बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें खाली जगह भरना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिसिंग नंबर्स लिखेंगे। अब सबसे पहले आपको देखना है ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले है 6, 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद क्या आता है 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, 7 के बाद 8, 8 तो दिया हुआ है, तो आगे जो डैश में है वो वहाँ क्या आएगा, 8 के बाद 9, 9 और फिर 10। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर है सेकंड नंबर पर, देखिए यहाँ पर पहले दिया है 1, तो 1 के बाद क्या आएगा 2,
फिर तीन दिया हुआ है, फिर आएगा चार। तो बच्चों आपको एक से दस तक गिनती लिखना आना चाहिए, उसको सही ढंग से लिखना है। तो बच्चों इस तरह से आप खाली जगह को भरेंगे। अब देखते हैं दो और फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले शुरू हुआ है चार से, तो चार के बाद क्या आएगा, चार के बाद आएगा पाँच। तो आप यहाँ लिखेंगे पाँच। फिर छः लिखा हुआ है, छः के बाद आएगा सात, सात के बाद आठ दिया हुआ है, फिर ब्लैंक है तो ब्लैंक में आएगा नौ, और फिर दस। इसी तरह से बच्चों नीचे आइए, यहाँ पर दिया है दो, तो दो के आगे आएगा तीन, फिर चार आएगा, तो चार दिया हुआ है, फिर आएगा पाँच, फिर छः, छः तो दिया हुआ है, छः के बाद क्या आएगा सात। तो बच्चों हमारी खाली जगह पूरी भर गई विद द मिसिंग लेटर्स। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों? इसलिए आपको गिनती, हिंदी की गिनती सही में लिखना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हिंदी की गिनती कैसे होती है और इंग्लिश की गिनती कैसे होती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी और अंग्रेज़ी अंकों को आपको मिलाना है। एक तरफ हिंदी की गिनती दी रहेगी और एक तरफ इंग्लिश की। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, इनको मैच द कॉलम करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है हिंदी की गिनती और यहाँ पर है इंग्लिश की गिनती। अब आपको ये गिनती मिलानी है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया है, पहले दिया है एक, क्या दिया है एक। तो एक कहाँ है, यहाँ पर है लास्ट में एक, तो हम इसे मैच करेंगे। तो देखिए ये इसको एक को मैच किया। दूसरा बताइए क्या है, आप बताइए, करेक्ट तीन। तो तीन कहाँ है, तीन को इंग्लिश के तीन से मिलाइए, ये देखिए थ्री से। हिंदी में तीन, इंग्लिश में थ्री। फिर है पाँच, क्या है पाँच। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे पाँच को, फाइव। तो हम हिंदी, हिंदी के पाँच को अंग्रेजी के फाइव से मिलाएंगे। फिर है, बताइए बच्चों कौन सा अंक है, करेक्ट सात। इंग्लिश में सात को हम बोलते हैं सेवन। तो सेवन कहाँ लिखा है, ढूंढिए और उसे मैच कीजिए। तो हिंदी का सात और अंग्रेजी का सेवन, इसको हम मिलाएंगे। तो देखिए कैसे मिल गया, समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको दोनों हिंदी और अंग्रेजी की गिनती आनी चाहिए, तभी ना आप मैच कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ नंबर्स हैं, उसको हम मैच करेंगे। तो देखिए बच्चों पहला हिंदी का अंक कौन सा है, हिंदी का अंक है दो, और इंग्लिश में बोलते हैं
टू, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाइए, इन हिंदी का दो और अंग्रेजी का टू। तो यहाँ देखिए, ये है अंग्रेजी का टू और हिंदी का टू। फिर है चार, तो हिंदी में चार बोलते हैं और अंग्रेजी में फोर। चार को क्या बोलते हैं? फोर। तो चार और फोर को मिलाइए, ये देखिए। ठीक है, अब है हिंदी में कौन सा अंक है बताइए बच्चों? छः। कौन सा अंक है? छः। और इंग्लिश में छः को बोलते हैं सिक्स। तो सिक्स कहाँ है? यहाँ पर है। तो छः और सिक्स को मिलाइए, मिल गया। अब बच्चों अंक है आठ, तो अंग्रेजी में आठ और हिंदी में आठ लास्ट में है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, आठ। देखिए आठ, आठ और एट। अब है दस, एक और शून्य 10, 10, 10। 10 कहाँ है? चलिए मिलाते हैं इसको, ये है 10, एक और शून्य 10 और 10। तो बच्चों हमने क्या किया, हिंदी और अंग्रेजी अंकों को समान अंकों को मिलाया। तो बच्चों इस तरह से आपको हिंदी की गिनती और इंग्लिश की गिनती दोनों आनी चाहिए।